ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है स्मृति स्वरूप, पार्ट टू। कमल का पुष्प कितना ज्ञान युक्त है, कमल पुष्प को देख ज्ञान की स्मृति आती है ना, तो कमल आसन पर विराजमान रहने से सदा योग युक्त बन सकती हो। आसन कभी भी नहीं छोड़ो, यह कमल पुष्प समान स्थिति का आसन सदा कायम रखना अर्थात इस पर सदा स्थित रहना है, तब भविष्य में भी राज्य सिंहासन इतना ही समय कायम रहेगा। अगर इस आसन पर नहीं बैठ सकती हो अर्थात इस स्थिति में स्थित नहीं हो सकती, तो सिंहासन को भी प्राप्त नहीं कर सकेंगी। तो राज सिंहासन प्राप्त करने के लिए पहले कमल आसन पर स्थित रहने का अभ्यास करना पड़े। यह महावाक्य है 3 जून 1971 के। चाहे लौकिक जीवन चाहे अलौकिक जीवन, दोनों में 3 चीजों की आवश्यकता है। वह कौन सी? एक चाहिए खुराक, दूसरा खुशी और तीसरा खजाना। यह तीनों बातें आवश्यक है। खजाने के बिना कुछ नहीं होता, खुशी के बिना भी जीवन नहीं, और खुराक भी आवश्यक है। तो यह तीनों चीजें यहाँ भी आवश्यक है। खुराक किसको कहेंगे? खुशी तो हुई प्राप्ति की, बाकी खुराक कौन सी है? खजाना कौन सा है? खजाना है ज्ञान का, खुराक है याद से जो शक्ति भरती है। जीवन की एनर्जी खुराक है। तीनों ही प्राप्तियां हो चुकी है वा हो रही है, खजाना भी पूरा मिल चुका है ना, खुराक भी मिल चुकी है, खुशी तो है ही, अखूट खजाना मिला है ना। जितनी बार खजाने को वर्णन करते हैं वा मनन में लाते हैं, इतनी खुशी जरूर होती है। और खजाने को मनन करने से मगन अवस्था ऑटोमेटिकली होती है, खुशी भी मिल जाती है, खुराक भी मिलती है और खजाने की स्मृति भी आ जाती है। तीनों ही बातें स्मृति में है। इस जीवन को श्रेष्ठ जीवन कहा जाता है। याद की यात्रा में रहने से कोई करामात आती है? शक्तियों की प्राप्ति होती है। शक्तियों की प्राप्ति को करामात कहे? जैसे वह लोग कई अभ्यास करते हैं तो उनमें रिद्धि सिद्धि की करामात आती है, इस प्राप्ति को करामात कहे? जिस शक्ति के आधार से आप कर्तव्य करती हो उसको करामात कहे? करामात नहीं कहेंगे। करामात समझकर प्रयोग नहीं करते हो, लेकिन कर्तव्य समझकर शक्ति का प्रयोग करते हो। यहाँ करामात की बात नहीं, इसको श्रीमत का प्रैक्टिकल कर्तव्य समझकर चलते हो। उन मनुष्यों के पास करामात होती है। आप लोगों की बुद्धि में आएगी श्रीमत, तो श्रीमत और करामात में फर्क है। आप लोगों को शक्तियाँ प्राप्त होंगी तो स्मृति में आएगा श्रीमत द्वारा अथवा इस मत की यह गति प्राप्त हुई। करामात नहीं, लेकिन श्रीमत समझेंगे। करामात समझ शक्तियों का प्रयोग नहीं करेंगे, कर्तव्य समझ शक्तियों का प्रयोग करेंगे। शक्तियाँ आनी जरूर है, मुख से बोलने की भी जरूरत नहीं,
संकल्प से कर्तव्य सिद्ध कर देंगे। तो जैसे यह अंतर्यामी, वैसे फिर यह प्रैक्टिस हो जाएगी। आपका संकल्प कर्तव्य को पूरा करेगा। संकल्प से किसको बुला सकेंगे, किसको संकल्प से कार्य की प्रेरणा देंगे, यह महावाक्य है 8 जून 1971 के। चाहे कोई भी साधारण कर्म भी कर रहे हो, तो भी बीच बीच में अव्यक्त स्थिति बनाने का अटेंशन रहे। और कोई भी कार्य करो तो सदैव बाप दादा को अपना साथी समझकर डबल फोर्स से कार्य करो। तो बताओ क्या स्टेज रहेगी? एक तो स्मृति बहुत सहज रहेगी। निरंतर सत्संगी बनो। आपके पास कोई आते हैं तो आप नियम बताते हो ना कि सदैव सत का संग रखो। तो यह अभ्यास अपने को भी निरंतर करना पड़े। फिर याद जो मुश्किल लगती है, सोचते हैं याद कैसे ठहरे, कहाँ ठहरे, यह सभी खत्म हो जाएगा। कर्म की सहज सिद्धि हो। इसमें चाहे निराकार रूप से संग करो, चाहे साकार रूप में करो, लेकिन सत का संग हो। साकार का संबंध भी सारे कल्प में अविनाशी रहेगा ना। तो साकारी स्मृति हो व निराकारी स्मृति हो, लेकिन स्मृति जरूर होनी चाहिए। बाप दादा के संग के सिवाय और कोई भी संग बुद्धि में न हो। विस्मृति को स्मृति दिलाने वाली कौन सी युक्ति है? एक ही चित्र है जिसमें बाप दादा और वर्षा आ जाता है। अगर यह चित्र सदैव सामने रखो तो और सभी रास्ते ब्लॉक हो जाएंगे। जो भी चित्र व लिटरेचर आदि छपाते हो तो आप यही ब्लॉक डालते हो ना। अगर यही एक ब्लॉक बुद्धि में लगा हुआ हो तो सभी रास्ते ब्लॉक नहीं हो जाएंगे। यह सहज युक्ति है और निशानी भी दी हुई है। यह तो रोज मुरली में सुनते हो। कोई भी मुरली ऐसी नहीं होगी जिसमें यह युक्ति न हो। यह बहुत सहज है। छोटे बच्चों को भी कहो कि यह चित्र सदैव अपनी स्मृति में रखो तो वह भी कर सकते हैं। भले बैच लगाते हो, लेकिन अभी बुद्धि में स्मृति स्वरूप बनो। इस एक ही चित्र के स्मृति से सब स्मृतियां आ जाती है। सारे ज्ञान का सार भी इस एक चित्र में समाया हुआ है। जैसे छोटेपन में जो भी बातें सिखाई जाती है तो वह सहज स्मृति में रहती है। जितना बड़ा होता है, बड़ेपन में कोई बात स्मृति में लाना मुश्किल हो जाता है। इसमें भी जिन्होंने बचपन से ही यह अटेंशन रखने का अभ्यास किया है, उन्हों का आज भी नेचुरल याद का चार्ट रहता है। और जो भी इस अटेंशन रखने में शुरू से अलबेले रहे हैं, तो उन्हों को अब मुश्किल लगता है। अब तो बीती सो बीती कर सदैव ऐसे समझो कि मैं बच्चा हूँ, बाप के साथ हूँ। यह समझने से वह बचपन की जीवन स्मृति में रहेगी। जितना यह स्मृति में रहेगा तो उससे मदद मिलेगी। फिर मुश्किल कार्य सहज हो जाएगा। अभी से ही अपने को एक सेकंड भी बाप से अलग न समझो।
सदैव समझो बाप का साथ भी है और बाप के हाथ में मेरा हाथ भी है। अगर कोई बड़े के हाथ में हाथ होता है तो छोटे की स्थिति बेफिक्र होती, निश्चिंत रहती है। तो समझना चाहिए हर कर्म में बाप दादा मेरे साथ भी है और हमारे इस अलौकिक जीवन का हाथ उनके हाथ में है, अर्थात जीवन उनके हवाले है, जिम्मेवारी उनकी हो जाती है। सभी बोझ बाप के ऊपर रख अपने को हल्का कर देना चाहिए। बोझ ही न होगा तो कुछ मुश्किल लगेगा। बोझ उतारने व मुश्किल को सहज करने का साधन है बाप का हाथ और साथ। यह तो सहज है ना? फिर चाहे बाप स्मृति में आए, चाहे दादा स्मृति में आए, बाप की स्मृति आएगी तो साथ में दादा की भी रहेगी ही, दादा की स्मृति से बाप की स्मृति भी रहेगी, अलग नहीं हो सकते। एक होता है डायरेक्ट विकर्म विनाश की स्टेज में स्थित हो फुल फोर्स से विकर्मों को नाश करना। दूसरा तरीका है जितना जितना शुद्ध संकल्प व मनन की शक्ति से अपनी बुद्धि को बिजी रखते हो, वह जो शक्तियां जमा होती है तो उनसे वह धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। बुद्धि में यह भरने से वह पहले वाला स्वयं ही निकल जाएगा। एक होता है पहले सारा निकाल कर फिर भरना, दूसरा होता है भरने से निकालना। अगर खाली करने की हिम्मत नहीं है तो दूसरा भरते जाने से पहला आपे ही खत्म हो जाएगा, वह स्टेज आपे ही बनती जाएगी। एक तरफ भरता जाएगा और दूसरी तरफ खाली होता जाएगा, फिर जो स्टेज चाहते हो वह नेचुरल हो जाएगी, जब चाहो तब हो जाएगी। फुल फोर्स से खाली करने की स्टेज नहीं है तो दूसरा तरीका भी है ना, भरते जाओ तो वह स्वतः खाली होता जाएगा। अभी चढ़ती कला है, यह स्मृति रखो। जिस समय कारोबार व वाचा सर्विस करनी है तो लक्ष्य यह रखना चाहिए कि यह ईश्वरीय सर्विस है, यज्ञ कारोबार है, तो ऑटोमेटिकली यज्ञ रचयिता की स्मृति आएगी। और कोई भी कार्य करते हो तो समझो इस कार्य के निमित्त बनाने वाला बैकबोन कौन है। भले मैं निमित्त हूँ लेकिन बैकबोन कौन है? बिना बैकबोन आप शरीर में ठहर सकते हो? बिना बैकबोन के आप कोई कर्म में सफलता भी नहीं पा सकते। कोई भी कार्य करते सिर्फ यह सोचो मैं निमित्त हूँ, कराने वाला कौन है? जैसे भक्ति मार्ग में शब्द उच्चारण करते थे करण करावनहार, लेकिन वह दूसरे अर्थ से कहते थे। लेकिन इस समय जो भी कर्म करते हो उसमें करण करावनहार तो है ना, कराने वाला बाप है, करने वाला निमित्त है। अगर यह स्मृति में रख कर्म करते हैं तो सहज स्मृति नहीं हुई, निरंतर योगी नहीं हुए। यह महावाक्य है 4 जुलाई 1971 के। कल कौन सा पेपर शुरू होगा यह जानते हो? प्रैक्टिकल पेपर में कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं उन्हों को जानते हो?
किस किस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे, कल्प पहले क्या क्या हम आत्माओं द्वारा हुआ है वह स्मृति आती है। हाँ, जब यह स्मृति आती है तो क्वेश्चन कौन से आएंगे यह स्मृति नहीं आती है। माया सामना तो करेगी, लेकिन किस किस रूपों में करेगी यह भी जानते हो कि नहीं? मास्टर नॉलेजफुल बनकर जा रहे हो ना? मास्टर नॉलेजफुल को तो इन एडवांस सभी मालूम पड़ ही जाता है। जैसे साइंस वाले अपने यंत्रों द्वारा जो भी कोई घटना, जैसे कि तूफान व बारिश का आना व धरती का हिलना आदि पहले से ही जान लेते हैं, तो क्या आप सभी भी मास्टर नॉलेजफुल बनने से इन एडवांस अपनी बुद्धि बल द्वारा नहीं जान सकते हो? दिन प्रतिदिन जितना जितना अपनी स्मृति की समर्थि में आते जाएंगे, अर्थात अपनी आत्मा रूपी नेत्र को पावरफुल बनाते जाएंगे, क्लियर बनाते जाएंगे, उतना उतना कोई भी अगर विघ्न आने वाला होगा तो पहले से ही यह महसूसता आएगी कि आज कोई पेपर होने वाला है। और जितना जितना इन एडवांस मालूम पड़ता जाएगा, तो पहले से ही होशियार होने के कारण विघ्नों में सफलता पा लेंगे। यहाँ एक तो त्रिकालदर्शी होने के नाते कल्प पहले की स्मृति ऐसे अनुभव करते हो जैसे कि कल की बात है, और दूसरा फिर नॉलेजफुल होने के नाते से, तीसरा बुद्धि रूपी नेत्र पावरफुल और क्लियर होने के कारण वह इन एडवांस की बातों को कैच कर लेते हैं। तो तीनों ही प्रकार से अगर अटेंशन है व स्थिति है, तो क्या आने वाले विघ्नों को पहले से ही परख नहीं सकते हो? और जैसे जैसे इन एडवांस में परख व पहचान होती जाएगी, तो कभी भी हार नहीं होगी, सदा विजयी होंगे। जब अपनी प्रवृत्ति में जाते हो, तो प्रवृत्ति को प्रवृत्ति ही समझेंगे व और कुछ समझेंगे? प्रवृत्ति वाले है, यह नाम बदल गया ना? अभी अपनी प्रवृत्ति को अधर कुमार कहेंगे? अपनी प्रवृत्ति का जरा भी संकल्प नहीं आए, ऐसे ख्याल आने का सवाल ही नहीं पैदा होता। सवाल तो पैदा होता है, लेकिन ख्याल पैदा न हो ऐसे कहो। हम प्रवृत्ति मार्ग वाले हैं, यह रजिस्टर आज से अपना बंद करके और नया रजिस्टर सेवाधारी का रखा है, ऐसे समझे। दीपावली पर पुराने चौपड़े खत्म कर नहीं रखते हैं ना, तो आप लोगों ने भी सच्ची दीपावली मनाई, दीपक भी अविनाशी जगाया, पुरानी प्रवृत्ति के स्मृति का व पुराने संस्कारों का चौपड़ा भी खत्म किया। जैसे स्मृति वैसे संस्कार बनते हैं, तो यह चौपड़े पूरा जला दिए व कुछ किनारे रख दिए हैं। अगर किनारे रखे होंगे तो कभी भी बुद्धि उनमें जाएगी, जलाकर खत्म किया व कभी कभी देखने की दिल होती है। कोई चीज ऐसी होती है जिससे डर लगता है, तो उसको किनारे रखने की बजाय भस्म किया जाता है। झूठी चौपड़ी बनाने वाले गवर्नमेंट से डरते हैं, इसलिए वह कागज जलाकर भस्म कर देते हैं।
जो किसको निशानी भी न मिले। इस रीति पुरानी स्मृति का चौपड़ा व रजिस्टर बिल्कुल जलाकर खत्म करके जाना। एक होता है किनारे करना, दूसरा होता है बिल्कुल जला देना। रावण को सिर्फ मारते नहीं लेकिन साथ साथ जलाते भी है, तो इनको भी सिर्फ अगर किनारे रखा तो वह भी निशानी रह जाएगी। पुराने रजिस्टर की छोटी सी टुकड़ी से भी पकड़ जाएंगे। माया बड़ी तेज है, उनकी कैचिंग पावर कोई कम नहीं है। जैसे गवर्नमेंट ऑफिसर्स को जरा भी कुछ प्राप्त होता है तो उसी पर वह पकड़ लेते हैं। जरा निशानी भी किनारे कर दी तो माया किस न किस रीति से पकड़ लेगी, इसलिए जला कर ही जाना। यह महावाक्य है 27 जुलाई 1971 के। महावीर हो तो अपना नशा तो कायम रखो ना। जब अपने को ब्रह्मा कुमार समझेंगे तो फिर यह जो सेकंड सीढ़ी है कर्मेंद्रियों का आकर्षण, उससे भी पार हो जाएंगे। ब्रह्मा कुमार व शिव कुमार, यह दोनों की स्मृति रखने से कभी भी फेल नहीं हो सकेंगे, क्योंकि ब्रह्मा कुमार समझने से फिर ब्रह्मा कुमार के कर्तव्य, ब्रह्मा कुमार के गुण क्या है, वह भी स्मृति में रहते हैं ना। तो अब दूसरी और तीसरी सीढ़ी क्रॉस करके पास विद ऑनर बनने के समीप आने के लिए यह भट्टी की है। तो भट्टी के समाप्ति के साथ यह भी समाप्त कर देनी है। जैसे देखो स्थान के आधार पर स्थिति बनती है। यह मधुबन का स्थान ऐसा है जो स्थिति को ही बदल लेता है ना। स्थान का स्थिति पर असर होता है। रूह आत्मा को भी कहते हैं और रूह इसेंस को भी कहते हैं, तो दोनों हो जाएंगे। दिव्य गुणों के आकर्षण अर्थात इसेंस, वह रूह भी होगा और आत्मिक स्वरूप भी दिखाई देंगे, ऐसा लक्ष्य रखना है। तो रूप की विस्मृति, रूह की स्मृति, इस भट्टी से बनाकर निकलना। बिल्कुल ऐसा अनुभव हो जैसे यह शरीर एक बॉक्स है, इनके अंदर जो हीरा है उनसे ही संबंध स्नेह है, ऐसा अनुभव करना। तो निवास स्थान का भी आधार लेकर स्थिति को बनाओ। यह महावाक्य है 28 जुलाई 1971 के। डबल पोजीशन कौन सा है इस समय का पूछ रहे हैं। डीटी अर्थात देवत्व से इस समय का गॉडली पोजीशन हाईएस्ट है। तो ए यह पोजीशन है कि गॉडली चिल्ड्रन है, ब्रह्मा कुमार कुमारिया भी है, यह हुआ साकारी पोजीशन। और दूसरा है निराकारी पोजीशन। हम सभी आत्माओं से हीरो पाठधारी आत्माएं श्रेष्ठ आत्माएं हैं। और दूसरा पोजीशन है ईश्वरीय संतान, ब्रह्मा कुमार कुमारीपन का। यह दोनों पोजीशन स्मृति में रहे तो कर्म और संकल्प दोनों ही श्रेष्ठ हो जाएंगे। श्रेष्ठ आत्मा अथवा हीरो अपने को समझने से ऐसा कोई व्यवहार नहीं करेंगे जो ईश्वरीय मर्यादाओं के वा
ब्राह्मण कुल की मर्यादा के विपरीत हो। इसलिए यह दोनों पोजीशन स्मृति में होंगी तो माया की अपोजिशन खत्म हो जाएगी। इसलिए डबल पोजीशन भी सदैव स्मृति में रखो। डबल निशाना कौन सा है? जो डबल नशा होगा वही डबल निशाना होगा। एक है निराकारी निशाना, सदैव अपने को निराकारी देश के निवासी समझना और निराकारी स्थिति में स्थित रहना। साकार में रहते हुए अपने को निराकारी समझकर चलना। एक सोल कॉन्शियस व आत्माभिमानी बनने का निशाना और दूसरा निर्विकारी स्टेज, जिसमें मनसा की भी निर्विकारी पन की स्टेज बनानी पड़ती है। तो एक है निराकारी निशाना और दूसरा है साकारी। तो निराकारी और निर्विकारी, यह है दो निशानी। सारा दिन पुरुषार्थ, योगी और पवित्र बनने का करते हो ना, जब तक पूरी रीति आत्म अभिमानी न बने हैं तो निर्विकारी भी नहीं बन सकते। तो निर्विकारी पन का निशाना और निराकारी पन का निशाना, जिसको फरिश्ता कहो, कर्मातीत स्टेज कहो, लेकिन फरिश्ता भी तब बनेंगे जब कोई भी इम्प्योरिटी अर्थात पांच तत्वों की आकर्षण आकर्षित नहीं करेगी। जरा भी मनसा संकल्प भी इम्प्योर अर्थात अपवित्रता का न हो, तब फरिश्तेपन की निशानी में टिक सकेंगे। तो यह डबल निशाना भी सदैव स्मृति में रखना। डबल प्राप्ति कौन सी है? अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति, उसमें शांति और खुशी समाई हुई है। यह हुआ संगम युग का वर्षा। अभी जो प्राप्ति है वह फिर कभी भी प्राप्त नहीं हो सकती। तो डबल प्राप्ति है बाप और वर्षा। बाप की प्राप्ति भी सारे कल्प में नहीं कर सकते, और बाप द्वारा अभी जो वर्षा मिलता है वह भी सारे कल्प के अंदर अभी ही मिलता है, फिर कभी भी नहीं मिलेगा। इस समय की प्राप्ति अतीन्द्रिय सुख और फुल नॉलेज फिर कभी भी नहीं मिल सकती। तो दो शब्दों में डबल प्राप्ति, बाप और वर्षा। इसमें नॉलेज भी आ जाती है तो अतीन्द्रिय सुख भी आ जाता और रूहानी खुशी भी आ जाती, रूहानी शक्ति भी आ जाती है। तो यह है डबल प्राप्ति। डबल तिलकधारी भी बनना है। डबल तिलक कौन सा है? रोज अपना तिलक देखते हो? अमृत वेले जब ज्ञान स्नान करते हो तो तिलक भी लगाते हो? आत्मिक स्मृति व स्वरूप का तिलक तो हो गया। दूसरा है निश्चय का तिलक। एक तो आत्मिक स्थिति का तिलक है और दूसरा हम विजयी रतन है। हर संकल्प हर कदम में विजय सफलता भरी हुई हो, यह विजय का तिलक विक्ट्री है। तो आप लोगों का तिलक है विजय का और विजय रूप का। यह डबल तिलक सदैव स्मृति में रहे। स्मृति अर्थात तिलकधारी बनना है तो डबल तिलक को भी कभी भूलना नहीं है। मैं विजयी हूँ, इस स्मृति में रहने से कभी भी भिन्न भिन्न परिस्थितियां हिला नहीं सकती।
विजय हुई पड़ी है। वर्तमान समय अपनी स्थिति डगमग होने कारण विजय अर्थात सफलता में डगमग दिखाई देते हैं। लेकिन विजय हर कर्तव्य में हुई पड़ी है। जैसे कोई सीजन की खराबी होती है, तो सीजन की खराबी के कारण टेलीविजन में भी स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। इस रीति से अपनी स्थिति की हलचल होने कारण विजय का अथवा सफलता का स्पष्ट अनुभव नहीं कर पाते हो। अपनी स्थिति की हलचल स्पष्ट को भी अस्पष्ट बना देती है। उलझनों के कारण उज्जवल नहीं बन सकते हो। इसलिए अपनी स्थिति की हलचल नहीं होगी तो स्मृति क्लियर होगी। वह होती है सीजन क्लियर, यह है स्मृति क्लियर। अगर स्मृति क्लियर है तो सफलता भी क्लियर रूप में दिखाई देगी। अगर स्मृति क्लियर नहीं, वह अपने ऊपर पूरी केयर नहीं, केयरफुल कम होने कारण रिजल्ट भी फुल नहीं दिखाई देती। जितना अपने ऊपर केयर रखते हो उतना क्लियर होते हो और इतना ही सफलता अपने पुरुषार्थ में व सर्विस में स्पष्ट और समीप दिखाई देगी। यह महावाक्य है 20 अगस्त 1971 के। महान बनने के लिए एक तो अपने को पुरानी दुनिया में मेहमान समझो, दूसरी बात जो भी संकल्प व कर्म करते हो तो महान अंतर को बुद्धि में रख संकल्प और कर्म करो। तीसरी बात कि बाप के व अपने दैवी परिवार की हर आत्मा के गुण और श्रेष्ठ कर्तव्य की महिमा करते रहो। फर्स्ट मेहमान, सेकंड महान अंतर और थर्ड महिमा। यह तीन बातें चलती रहे तो जो सात कमियां है वह समाप्त हो जाए। मेहमान न समझने के कारण कोई भी रूप व रंगत में अट्रैक्शन और अटेंशन जाता है। महान अंतर को सामने रखने से कभी भी देह अहंकार व क्रोध का अंश व वंश नहीं रह सकता। तीसरी बात, बाप की व हर आत्मा के गुणों की महिमा व कर्तव्य की महिमा करते रहने से किसी द्वारा किसी बात की फीलिंग नहीं आ सकती और सदैव गुणों और कर्तव्यों की महिमा करने से याद की यात्रा असंतुष्टता भी निरंतर व सहज याद में परिवर्तन हो जाएगी। इन तीनों शब्दों को सदा स्मृति में रखो तो समर्थिवान हो जाएंगे। दृष्टि वृत्ति वायुमंडल सभी परिवर्तन हो जाएंगे। द्वापर से लेकर आज तक अपनी और अपने दैवी परिवार की आत्माओं की महिमा करते आए हो, कीर्तन करते आए हो, अब फिर चैतन्य परिचित हुई आत्माओं के अवगुणों को व कमियों को क्यों देखते हो व बुद्धि में धारण क्यों करते हो? अभी भी सारे विश्व से चुनी हुई श्रेष्ठ आत्माओं के गुणगान करो, बुद्धि द्वारा ग्रहण करो और मुख द्वारा एक दो के गुणगान करो। फिर दृष्टि व वृत्ति चंचल होगी? किसकी भी कमी की फीलिंग होगी? अभी अनुभव किया है कि कोई भी मंदिर की मूर्ति कितनी भी अट्रैक्टिव व सुंदर सजी हुई हो तो कभी भी दृष्टि
उनकी सुंदरता व सजावट के तरफ संकल्प मात्र भी चंचल नहीं होती है। और वहाँ ही अगर कोई सिनेमा व कोई ऐसी किताबों में से कोई अट्रैक्शन व सजावट देखते हैं व कोई बोर्ड भी देखते हैं तो वृत्ति और दृष्टि चंचल हो जाती है। क्यों? अट्रैक्शन तो मूर्तियों में भी है, सजावट, फीचर्स और नेचर्स की ब्यूटी मूर्तियों में भी है, फिर भी वृत्ति और दृष्टि चंचल क्यों नहीं होती? दोनों ही चित्र सामने रखो व एक ही कमरे में रखो तो एक सेकंड में उस तरफ जाने से वृत्ति चंचल होती है और उस तरफ जाने से वृत्ति पवित्र बन जाती है। यह पवित्रता और अपवित्रता का कारण क्या होता है? स्मृति। स्मृति है कि यह देवी है, तो यह स्मृति दृष्टि और वृत्ति को पवित्र बनाती है। और स्मृति है कि यह फीमेल है, तो वह स्मृति वृत्ति और दृष्टि अपवित्रता की तरफ खींचती है। वहां रूप को देखेंगे और वहां रूहानियत को देखेंगे। ऐसा पास्ट का अनुभव होगा ना? वर्तमान भी परसेंटेज में है, लेकिन इसको मिटाने के लिए कभी भी कहां भी देखते हो, किससे भी बोलते हो, तो स्मृति में क्या रखो? आत्मा समझना, वह तो हुई फर्स्ट स्टेज, लेकिन कर्म में आते, संपर्क में आते, संबंध में आते यह स्मृति रखो कि यह सभी जड़ चित्रों की चैतन्य देवी व देवताओं के रूप है। तो देवी का रूप स्मृति में आने से जैसे जड़ चित्रों में कभी संकल्प मात्र भी अपवित्रता व देह का अट्रैक्शन नहीं होता है, ऐसे ही चैतन्य रूप में भी यह स्मृति रखने से संकल्प में भी यह कंप्लेन नहीं रहेगी और कंप्लीट हो जाएंगे। यह है वर्तमान पुरुषार्थियों की कंप्लेन के ऊपर कंप्लीट बनने की युक्तियां। यह महावाक्य है 25 अगस्त 1971 के। आज प्रवृत्ति में रहने वाले पांडव सेना की भट्टी का आरंभ है। अपने को पांडव समझते हो? निरंतर अपना पांडव स्वरूप स्मृति में रहता है? वह कभी अपने को पांडव समझते हो और कभी प्रवृत्ति वाले समझते हो? निरंतर अपने को पांडव अर्थात पंडे समझने से सदा यात्रा और मंजिल के सिवाय और कोई स्मृति रह सकती है? अगर कोई स्मृति रहती है तो उसका कारण कि अपना पांडव स्वरूप भूल जाते हो। स्मृति अर्थात वृत्ति बदलने से कर्म भी बदल जाता है। कर्म का आधार वृत्ति है। प्रवृत्ति वृत्ति से ही पवित्र अपवित्र बनती है। इसलिए पांडव सेना वृत्ति को सदा एक बाप के साथ लगाते रहे तो वृत्ति से अपनी उन्नति में वृद्धि कर सकते हो। वृद्धि का कारण वृत्ति है। वृत्ति में क्या करना है? अगर वृत्ति ऊंची है तो प्रवृत्ति ऊंची रहेगी। एक ही बाप से सर्व संबंध सर्व प्राप्ति होती है। यह सदा वृत्ति में रहने से दृष्टि में आत्मिक स्वरूप अर्थात भाई भाई की दृष्टि सदा रहेगी। जब एक बाप से सर्व संबंध की प्राप्ति की
विस्मृति होती है, तब ही वृत्ति चंचल होती है। जब एक बाप के सिवाय दूसरा कोई संबंध ही नहीं, तो वृत्ति चंचल क्यों होगी? ऊंची वृत्ति होने से चंचल वृत्ति हो नहीं सकती। वृत्ति को श्रेष्ठ बना दो, तो प्रवृत्ति ऑटोमेटिकली श्रेष्ठ होगी। इसलिए अपनी वृत्ति को श्रेष्ठ बनाओ, तो यही प्रवृत्ति प्रगति का कारण बन जाएगी। और प्रगति से गति सद्गति को सहज ही पा सकेंगे। फिर यह प्रवृत्ति गिरने का कारण नहीं होगी। तो प्रवृत्ति मार्ग में रहने वालों को प्रगति के लिए वृत्ति को ठीक करना है। फिर यह वृत्ति के चंचलता की कंप्लेन कंप्लीट हो जाएगी। स्मृति व वृत्ति में सदा अपना निर्वाण धाम और निर्वाण स्थिति रहनी चाहिए, और चरित्र में निर्माण। तो निर्माण, निर्माण और निर्वाण, यह तीनों ही स्मृति रहने से चरित्र, कर्तव्य और स्थिति तीनों ही इस स्मृति से समर्थवान हो जाती है, अर्थात स्मृति में समर्थि आ जाती है। जहां समर्थि है, वहां तीनों में विस्मृति नहीं आ सकती। तो विस्मृति को मिटाने के लिए यह समर्थ स्मृति रखो। यह तो बहुत सहज है ना? यह महावाक्य है 26 अक्टूबर 1971 के। मैं ऊंचते ऊंच ब्राह्मण हूँ, यह भी स्वमान है। सारे विश्व के अंदर ब्रह्मांड और विश्व का मालिक बनने वाली मैं आत्मा हूँ, यह भी स्वमान है। सदैव अपनी बुद्धि के अंदर वर्तमान व भविष्य स्वमान की स्मृति रहे, तो देह अभिमान नहीं रहेगा। सिर्फ शब्द चेंज होने से स्वमान से स्वभाव भी अच्छा हो जाता है। स्वभाव का टक्कर होता ही तब है जब एक दो को स्व का भान नहीं रहता। एक अपने स्वमान की लिस्ट निकालो तो लिस्ट बड़ी है। उन एक एक बात को लेकर अनुभव करते जाओ तो माया की छोटी छोटी बातों में कमजोर नहीं बनेंगे। माया कमजोर बनाने के लिए पहले तो देह अभिमान में लाती है। देह अभिमान में ही न आए तो कमजोरी कहाँ से आएगी? तो सभी को अपने स्वमान की स्मृति दिलाओ और उस स्वरूप के अनुभवी बनाओ। जैसे समझते हो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, तो संकल्प करने से स्थिति बन जाती है ना? लेकिन बनेगी उनकी जिनको अनुभव होगा। अनुभव नहीं तो स्थित होते होते वह रह ही जाते हैं। स्थिति बन नहीं सकती। और थकावट, मुश्किल मार्ग अनुभव करते हैं। कैसे करे, यह क्वेश्चन उठता है। लेकिन जो अनुभवी मूरत है, वह कड़ी परीक्षा आते समय भी अपने स्वमान में स्थित होने से सहज उसको कट कर सकते हैं। तो अपने स्वमान की स्मृति दिलाओ। यह महावाक्य है 21 जनवरी 1972 के। स्वयं की स्मृति में रहने से हर कर्म संयम बन ही जाता है, और साथ साथ समय की पहचान भी उनके सामने सदैव स्पष्ट रहती है। जैसे बड़े ऑफिसर्स के सामने सारा प्लान होता है, जिसको देखते हुए
वह अपनी अपनी कारोबार चलाते हैं, जैसे एरोप्लेन व स्टीमर चलाने वालों के पास अपने अपने प्लान्स होते हैं, जिससे वह रास्ते को स्पष्ट समझ जाते हैं। इसी प्रकार जो स्वयं को जानता है उससे संयम ऑटोमेटिकली चलते रहते हैं और समय की पहचान भी ऐसे स्पष्ट होती है। सारा दिन स्वयं जो है जैसा है वैसी स्मृति रहती है, इसलिए गाया हुआ भी है, जो कर्म मैं करूँगा मुझे देख सभी करेंगे। तो ऐसे स्वयं को जानने वाला जो कर्म करेगा वही संयम बन जाएगा, उनको देख सभी फॉलो करेंगे, ऐसी स्मृति सदा रहे। जब स्वयं की स्मृति में सदा रहते हैं तो नेचुरल हो जाता है, फिर यह सोचने की आवश्यकता नहीं रहती। कभी कोई कर्म बिना संयम के हो नहीं सकता। स्वयं के स्वरूप की स्मृति में रहने से यह नशा रहता है कि कोई भी कर्म उल्टा हो ही नहीं सकता। स्वयं की स्मृति का नशा कितना रहता है, जैसे साकार रूप में निमित्त बन हर कर्म संयम के रूप में करके दिखाया, ऐसे प्रैक्टिकल में आप लोगों को फॉलो करना है। ऐसी स्टेज है जैसे गाड़ी अगर ठीक पट्टे पर चलती है तो निश्चय रहता है एक्सीडेंट हो नहीं सकता, बेफिक्र हो चलाते रहेंगे। वैसे ही अगर स्वयं की स्मृति का नशा है, फाउंडेशन ठीक है, तो कर्म और वचन संयम के बिना हो नहीं सकता। ऐसी स्टेज समीप आ रही है, इसको ही कहा जाता है संपूर्ण स्टेज के समीप। यह महावाक्य है 3 फरवरी 1972 के। जय जयकार शक्तियों की गाई हुई है और अहो प्रभु की पुकार बाप के लिए गाई हुई है। आप लोग आपस में भी एक दो के अनुभव करते होंगे, जब विशेष अटेंशन अपने निशाने व नशा का रहता है तो भले कितने भी बड़े संगठन में बैठे होंगे तो भी सभी को विशेष कुछ दिखाई जरूर देगा। महसूस करेंगे कि यह समय याद में बहुत अच्छा बैठे। अभी जो साधारण अटेंशन है वह बदलकर नेचुरल विशेष अटेंशन हो जाएगा और चेहरे से झलक फलक दिखाई देगी। सिर्फ स्मृति को शक्तिशाली बनाना है। यह महावाक्य है 5 फरवरी 1972 के। जैसे साकार रूप में यह निश्चय हर कर्म में देखा कि अपने भविष्य यादगार को देखते हुए सदा यह खुमारी और खुशी थी कि यह मैं ही तो हूँ, ऐसे ही आप सभी को यादगार चित्र देखते हुए वा चरित्र सुनते हुए वा गुणों का गायन सुनते हुए यह खुमारी और खुशी रहती है कि यह मैं ही तो हूँ। यह सदा स्मृति में रहना चाहिए कि अभी अभी हम प्रत्यक्ष रूप में पाठ बजा रहे हैं और अभी अभी अपने पाठ का यादगार भी देख रहे हैं। सारे कल्प के अंदर ऐसी कोई आत्माएं हैं जो अपना यादगार अपनी स्मृति में देखे? यूं तो देखते सभी है, लेकिन स्मृति तो नहीं रहती है ना।
सिर्फ आप आत्माओं का ही पार्ट है जो इस स्मृति से अपनी यादगार को देखते हो, तो स्मृति से अपनी यादगार को देखते हुए क्या होना चाहिए? कोई कोई ने बताया, विजयी तो हो ही, विजय का तिलक लगा हुआ है, जैसे गुरुओं पास व पंडितों के पास जाते हैं तो वह तिलक लगाते हैं। यहाँ भी आने से ही, बच्चे बनने से ही, पहले पहले स्वस्मृति द्वारा सदा विजयी बनने का तिलक बाप दादा द्वारा लग ही जाता है, इसलिए पंडित भी तिलक लगा देते हैं। सभी रसम ब्राह्मणों द्वारा ही अब चलती है। ब्राह्मणों का पिता रचयिता तो साथ है ही, बच्चे शब्द ही बाप को सिद्ध कर देता है। बलिहार जाने वाले की हार नहीं होती है, स्मृति समर्थी को लाती है और समर्थी में आने से ही कार्य सफल होते हैं, अथवा जो सुनाया खुशी मस्ती नशा व निशाना सभी हो जाता है। यह सभी बातें गायब होने का कारण निर्बलता है, विस्मृति के कारण असमर्थी। तो स्मृति से समर्थी आने से सभी सिद्धि प्राप्त हो जाती है, अर्थात सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। स्वस्मृति में रहने वाला सदैव जो भी कार्य करेगा व जो भी संकल्प करेगा उसमें उसको सदा निश्चय रहता है कि यह कार्य व यह संकल्प सिद्ध हुआ ही पड़ा है, अर्थात ऐसा निश्चय बुद्धि अपनी विजय व सफलता निश्चित समझकर चलता है। यह महावाक्य है 27 फरवरी 1972 के। जैसे बाप के तीन रूप प्रसिद्ध है, वैसे अपने तीनों रूपों का साक्षात्कार होता रहता है। जैसे बाप को अपने तीनों रूपों की स्मृति रहती है, ऐसे ही चलते फिरते अपने तीनों रूपों की स्मृति रहे कि हम मास्टर त्रिमूर्ति है, तीनों कर्तव्य इकट्ठे साथ साथ चलने चाहिए। ऐसे नहीं, स्थापना का कर्तव्य करने का समय अलग है, विनाश का कर्तव्य का समय अलग है, फिर और आना है, नहीं, नई रचना रचते जाते हैं और पुरानी का विनाश। आसुरी संस्कार व जो भी कमजोरियां है उनका विनाश भी साथ साथ करते जाना है। नए संस्कार ला रहे हैं, पुराने संस्कार खत्म कर रहे हैं, तो संपूर्ण और शक्ति रूप विनाशकारी रूप न होने कारण सफलता न हो पाती है। दोनों ही साथ होने से सफलता हो जाती है। यह दो रूप याद रहने से देवता रूप आपे ही आएगा। दोनों रूप के स्मृति को ही फाइनल पुरुषार्थ की स्टेज कहेंगे। अभी अभी ब्राह्मण रूप, अभी अभी शक्ति रूप। यह महावाक्य है 28 फरवरी 1972 के। सदैव यही स्मृति रखो कि हम दुख हरता सुख करता के बच्चे हैं। किसके भी दुख को हल्का करने वाले स्वयं कभी एक सेकंड के लिए भी संकल्प व स्वप्न में भी दुख की लहर में नहीं आ सकते हैं। अगर संकल्प में भी दुख की लहर आती है तो सुख के सागर बाप की संतान कैसे कहला सकते हैं? क्या बाप की महिमा में यह कब वर्णन करते हो
कि सुख का सागर हो, लेकिन कब कब दुख की लहर भी आ जाती है। तो बाप समान बनना है ना। दुख की लहर आती है, अर्थात कहाँ न कहाँ माया ने धोखा दिया। अगर सदा बुद्धि का संबंध एक ही बाप से लगा हुआ है, तो संबंध से सर्व शक्तियों का वर्षा अधिकार के रूप में अवश्य प्राप्त होता है। लेकिन अधिकारी समझकर हर कर्म करते रहे, तो कहने व संकल्प में मांगने की इच्छा नहीं रहेगी। अधिकार प्राप्त न होने कारण कहा न कहा किसी प्रकार की अधीनता है। अधीनता होने के कारण अधिकार प्राप्त नहीं होता है। चाहे अपने देह के भान की अधीनता हो, चाहे पुराने संस्कारों के अधीन हो, चाहे कोई भी गुणों की धारणा की कमी के कारण निर्बलता व कमजोरी के अधीन हो, इसलिए अधिकार का अनुभव नहीं कर पाते। तो सदैव यह समझो कि हम अधीन नहीं, अधिकारी है। पुराने संस्कारों पर माया के ऊपर विजय पाने के अधिकारी है। अपने देह के भान व देह के संबंध व संपर्क जो भी है, उनके ऊपर विजय पाने के अधिकारी है। अगर यह अधिकारीपन सदैव स्मृति में रहे, तो स्वतः ही सर्व शक्तियों का प्राप्ति का अनुभव होता रहेगा। अधिकारीपन भूल जाता है। जो अधीन होता है वह सदैव मांगता रहता है। अधिकारी जो होता है वह सदैव सर्व प्राप्ति स्वरूप रहता है। सृष्टि का परिवर्तन भी श्रेष्ठ आत्माओं के परिवर्तन के लिए रुका हुआ है। परिवर्तन तो लाना है, ना कि यह साधारण जीवन ही अच्छी लगती है। यह स्मृति, वृत्ति और दृष्टि अलौकिक हो जाती है, तो इस लोक का कोई भी व्यक्ति व कोई भी वस्तु आकर्षित नहीं कर सकती। अगर आकर्षित करती है, तो समझना चाहिए कि स्मृति में व वृत्ति में व दृष्टि में अलौकिकता की कमी है। इस कमी को सेकंड में परिवर्तन में लाना है। अभी तुम सभी हो ही सेवाधारी। सेवाधारी कभी सुहेजों के संकल्प में नहीं आते। सर्व संबंधों से सर्व अनुभव करना वह दूसरी बात है, लेकिन सदा स्मृति में अपना सेवाधारी स्वरूप रखना है। सुहेजों में लगेंगे तो सेवा भूल जाएगी। सेवाधारी हूँ, विश्व परिवर्तन करने वाली पतित पावनी हूँ, यह अपना स्वरूप स्मृति में रखो। यह महावाक्य है 4 मार्च 1972 के। ओम शांति।